पूर्ण समाचार प्राप्त थई रह्या छे। हार्दिक पटेल ने मळवा माटे पहोंच्या छो दिग्गज, तो कही शकाय के बीजी कॉल्स ने के जेवो हार्दिक पटेल ने मळवा माटे पहोंच्या छे। मुंबई हाईकोर्ट ना निवृत्त जज हार्दिक पटेल ने मुलाकाते पहोंच्या छे, तो आ साथे ज तेमनुं शुं कहेवुं छे आओ आपने संभळावी दईए। उस फेल्योर के कारण वो हम लोगों को असली मुद्दे पर जाने नहीं देते। फिर वो अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि तो हार्दिक पटेल ना निवास स्थान पर राज्यभर ना जे अग्रणी नेताओ दिग्गजों के तेमनी अत्यार सुधी मुलाकात ले चुक्या छे। आजे हार्दिक पटेल ने मळवा माटे हाईकोर्ट ना निवृत्त जज बीजी कॉलर्स तेमने मळवा माटे पहोंच्या हता, तो साथे ज तेमने मळता पण रोकवामां आव्या छे। हार्दिक नी मुलाकात पहेला ज तेमने अटकाववामां आव्या छे। तो हम कस्टडी में जाने को डरते हैं, ये कस्टडी में लेके भी मार सकते हैं। तो ये जो आखी ये आपके लोग गुजरात के लोग दिल्ली पे जाके बैठे हैं, सबका जिंदा जीना हराम कर दिया है। हार्दिक पटेल से मिले तब थोड़े से भावुक हो गए थे क्या बात? मैं मुझे तो मैं 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 रोते रोते रुक गया। इसलिए रुक गया कि ये जो बच्चे हैं, एक देखो तुम सब जानो कई अनशन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे कि अन्ना हजारे का अनशन, उसके डॉक्टर ने लिखा है कि ये सुबह बाथरूम में खाता है और वो ब्लड देता नहीं गवर्नमेंट को। तो मैंने इस बच्चे को बोला, भाई तू सच्चा अनशन कर रहा है, तेरा एक एक ऑर्गन डैमेज हो जाएगा और बाद में वो रिकवर नहीं होता है। तो मैं उसको विनती करने आया था, मैं वैसा गरीब आदमी हूं, इन्होंने फोन किया तो 20,000 का टिकट लेके आया हूँ। मेरी इतनी औकात भी नहीं है, इसलिए आया हूँ कि ये देश के भविष्य में आधार स्तंभ है। ये है जिग्नेश है, वो वहाँ भीम आर्मी का चीफ है, उमर खलीद है, कन्हैया है, इनको तो हमने कन्हैया को मैंने बोला था जाके यदि तू बीमार पड़ता है तो अपने जिसको जो डॉक्टर हमें मालूम है उसके पास जाना, नहीं तो वो मरवा देंगे। इसको भी बोला अभी किसी हालत में गवर्नमेंट उठाती है तो अपने हॉस्पिटल में जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना है। आप जो देखेंगे हजारों साल का आर्यभट्ट ब्राह्मणों का इतिहास है, उन्होंने सिर्फ उनको अपोज करने वाले को मरवाया है, विचार से विचार नहीं दिए, विचार से कभी उन्हें डिस्कशन नहीं किया, चर्चा नहीं की है। तो इसीलिए हमें सबको सावधान रहना चाहिए, इसलिए बेटे को सावधान करने में आया था। थैंक यू।